सो हे एंड व्हाट्सअप गाइज, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल अनबॉक्सिंग एवरी थिंग्स में। तो गाइज, आज हमें इस मूवी रोम 2 को यूज करते करते पूरे 45 डेज हो चुके हैं। मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो देखने को नहीं मिले मूवी के स्पीकर के साथ, लेकिन हाँ गाइज, प्रॉब्लम तो थे। आज मैं उसी पे बात करूंगा, क्योंकि अगर आप लोग परचेस करते हो कोई भी प्रोडक्ट तो सबसे पहले आप लोग अनबॉक्सिंग और रिव्यू को चेक करते हो किसी भी प्रोडक्ट की, जो कैसा रहता है वो। क्योंकि गाइज, हम प्रोडक्ट परचेस करते हैं उसी टाइम वो मैटर नहीं करता, क्योंकि वो कैसा चलता है उस पर भी मैटर करता है। क्योंकि कोई भी अगर परचेस करता है तो वो 1000 अगर पे कर रहा है तो वो देखता भी है जो वो पैसे में सही जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ या नहीं। तो चलिए, आज हम बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थे इस मूवी के स्पीकर के साथ। सबसे पहले मैं आपको इसकी डिटेल्स बता दूं, ये मूवी का रोम 2 स्पीकर है। अगर आपने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखी तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। और मैंने इसकी कंपैरिजन वीडियो भी बनाई थी मूवी की बोट स्टोन 250 की, जो आपको आई बटन पर मिल जाएगी, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए, आज हम बात करेंगे इसके ऊपर, जो कि मूवी का 5 वॉट का स्पीकर है और ये मोनो चैनल स्पीकर है। फ्रंट में ही आपको बेस, रेडिएटर और स्पीकर दोनों मिल जाता है। यहाँ पे आपको मूवी का लोगो, बैक में भी मूवी का लोगो साइनिंग करता हुआ, कुछ स्क्रैचेज हैं जो कि इतने यूज करने के बाद मुझे से मिले हैं। और मैं इसे बहुत ज्यादा रफली यूज करता था इस स्पीकर को, और मैंने अपने फ्रेंड्स को भी दिए हुए थे ये स्पीकर, उन्होंने भी इस स्पीकर को बहुत ही यूज किया था। तो मैं आपको बता सकता हूँ इसका बैटरी लाइफ सब पे आज बात करेंगे, जो क्या कैसा चलता है, क्योंकि कंपनी ने तो क्लेम किया था 24 आवर्स की बैटरी लाइफ, बट जब मैंने इसे यूज किया, मेरे फ्रेंड्स ने यूज किया, तब हम लोगों को पता चला कि रियली में कितना चलता है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, जो क्या इसके बिल्ड क्वालिटी पर भी कोई फर्क पड़ता है 45 डेज के बाद, क्योंकि मैंने इसे बहुत ज्यादा हार्डली यूज किया था। तो जैसी थी वैसी है, फ्रंट से कोई भी दिक्कत नहीं है, हल्का सा साइड से डेंट पड़ा हुआ, वो मेरे से एक बार गिर चुका था तो उसके लिए है। और स्पीकर की बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो बहुत ही अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी थी, इसीलिए गिरने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा स्पीकर पे। वैसे मैंने आपको अनबॉक्सिंग वीडियो में ही बताया था, क्योंकि इसका रबर वाला पैड है, तो अगर ये हाइट से गिरता भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके इसके स्पीकर पे। और हाँ, इतने दिनों में गाइज, इसका जो एक जो स्टैंड पैड होता है वो ऊपर से एक निकल चुका है, क्योंकि ये जो उसमें होड़ वाले दिए हुए थे जिससे ये स्टैंड होता है, उसमें से एक वाला ये जो होता है वो गाइज फिनिश हो चुका है। तो बात करें इसके, सबसे पहले जो मुझे कैसा चल रहा था ये स्पीकर, तो फर्स्टली मैं आपको बता दूं, बहुत ही कॉम्पैक्ट स्पीकर था, जैसा कि मैंने आपको बताया। यूज़ करने में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और कैरी करने में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं इसे बहुत ज़्यादा होम से बाहर भी जब मैं जाता था कभी घूमने फिरने, तो मैं इसे साथ ही कैरी करके ले जाता था, और ये पॉकेट में आराम से आ जाता है, बैक वाले पॉकेट में आप आराम से इसको डाल के यूज़ कर सकते हो। और मेरे एक फ्रेंड ने तो इसको मॉर्निंग वॉक तक पे भी यूज़ करके लेके गया हुआ है, तो उसने बताया कि भाई कॉम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा है स्पीकर, और भाई एक दो लोग तो पूछ भी रहे थे भाई कौन सा स्पीकर है मूवी का, तो भाई उसने बताया जो भाई मूवी रोम 2 है। तो उस हिसाब से आप कॉम्पैक्ट की बात करो तो बहुत ही अच्छा है, डिज़ाइन की बात करो तो डिज़ाइन में भी बहुत ही अच्छा है, एल्युमिनियम का डिज़ाइन मिलता है आपको फ्रंट से, और स्लिक भी बहुत ज़्यादा है। और स्लिम की बात करें तो बहुत ही स्लिम है, बोट 250 से तो बहुत ज़्यादा स्लिम है। तो अब बात करते हैं क्या इसके साउंड में कोई इफेक्ट पड़ा 45 डेज के बाद। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर साउंड की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोज़ में बताया हुआ था कि साउंड इसकी वोकल्स बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर है, बेस थोड़ा कम है 250 से, क्योंकि बेस की अगर बात करो तो इसका बेस की क्वालिटी, जो बेस रेडिएटर यूज़ किया गया इसमें, वो थोड़ा लो मुझे लगता है यूज़ किया गया, क्योंकि इसमें बेस जो है वो उतनी अच्छी नहीं आती। लेकिन हाँ, इसके वोकल्स बिल्कुल क्लियर है, गाना अगर आप सुन रहे हो तो आपको बिल्कुल अच्छे से सुनाई देंगे, कोई भी फिल्म के डायलॉग वगैरह अच्छे सुनाई देंगे। तो जब मैंने कुछ वेब सीरीज इस पर ट्राई किए, जैसे अमेजॉन प्राइम पे मैंने कुछ देखे, नेटफ्लिक्स पे देखे, तो इसके डायलॉग्स बिल्कुल क्लियर आपको क्रिस्टल एंड क्लियर सुनाई दे रहे थे, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात, क्योंकि कभी भी आप स्पीकर लेते हो तो भाई उसमें बेस तो रहना चाहिए, बट आपको अगर डायलॉग्स क्लियर सुनाई देते तो आपको एक अच्छा फीलिंग होगा, क्योंकि आप लैपटॉप स्पीकर कभी भी यूज़ करते हो, आप साइड में देख रहे होंगे एसएस का ये लैपटॉप, मैं इसी के साथ इसको कनेक्ट करके यूज़ करता था और वेब सीरीज देखता था, तो बहुत ही अच्छा ये देता था। क्योंकि इसकी प्लेबैक टाइम की बात करो तो जैसा कि उन्होंने कंपनी ने तो बताया था 24 आवर्स की प्लेबैक टाइम, बट ऐसा नहीं है गाइस, 24 आवर्स ये स्पीकर बैटरी बैकअप नहीं देता। अगर आप लोग को बता दूं मैं, 80% वॉल्यूम पे ये स्पीकर 14-15 आवर्स ही बैटरी बैकअप दे पाता है, क्योंकि मैंने जब इसे परचेस किया था तो वो लोग बता रहे थे 24 आवर्स देता है, बहुत सारे यूट्यूबर भी बोल रहे थे जो 24 आवर्स है तो 22 आवर्स देता है ये प्लेबैक टाइम, बट ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप उस हिसाब से अगर परचेस करो जो 24 आवर्स के 24 आवर प्लेबैक टाइम मिलेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं, कंपनी ने क्लेम किया है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप 80-90% वॉल्यूम पे इसको सुनते हो तो 14-15 आवर्स से ज्यादा आपको प्लेबैक टाइम नहीं मिलेगा। और प्लेबैक टाइम में आपको स्टार्टिंग में मैंने ज्यादा बताया था, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में फर्स्टली ये बहुत ज्यादा प्लेबैक टाइम दे रहा था, लगभग 16-17 आवर्स दे रहा था ये प्लेबैक टाइम। सबसे बड़ी इशू मुझे ये लगी, जो गाइस इसका चार्जिंग का कैरी आपको करना पड़ता है, मैंने एक दोस्त को दिया था तो भाई बोला था भाई वो टाइप सी वाला चार्जर तो है नहीं इसमें, उसको अलग से मुझे चार्जर देना पड़ा इसका माइक्रो यूएसबी वाला, तो वो इसकी एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर आप इसको चार्जर कैरी करते हो अलग से इसके लिए कैरी करना पड़ता है चार्जर, जैसा कि आप देख सकते हो टाइप सी वाला इसमें नहीं है, तो मैंने इसे बताया था वीडियो में भी, ये एक डिसएडवांटेज है। और थर्ड जो मुझे प्रॉब्लम दिखी वो दिखी इसकी, जो जब मैं इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहा था अपने फोन से, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी इसमें, क्योंकि ये थोड़ा डिले कनेक्ट हो पा रहा था, और जब मैं इसको डिसकनेक्ट भी कर रहा था तो थोड़ा डिले डिसकनेक्ट हो रहा था, और ये डिले लगभग 3-4 सेकंड का था, कोई ज़्यादा तो नहीं है, बट हाँ मेरे लिए ज़्यादा है, क्योंकि जब मैं दूसरे स्पीकर भी यूज़ कर चुका हूँ तो मुझे पता है कि इतना का डिले नहीं चलता। क्योंकि आप लोग यूज़ करोगे तो आप लोग को नॉर्मली नहीं पता चलेगा, क्योंकि आप लोग फर्स्टली स्पीकर यूज़ कर रहे हो, बट मेरे पास बहुत सारे स्पीकर हैं, बोट के हैं,
हैं, मीवी के हैं और बहुत सारे स्पीकर हैं मेरे पास, JBL के भी कुछ स्पीकर हैं, तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ जो मतलब डिले होता है इसमें थोड़ा सा। और ये TWS स्पीकर है, तो जैसा कि मैंने मेरे दोस्त के पास भी ये मीवी का Roam 2 है सेम, तो मैंने जब इसके साथ कनेक्ट किया इस स्पीकर को, तो दोनों को अगर आप 10 मीटर के रेंज पे रखते हो 5 मीटर के रेंज पे रखते हो तो सही है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर ले जाते हो तो फिर डिस्कनेक्ट होने लगे, वो आधा गाना बजेगा नहीं बजेगा वो वाला प्रॉब्लम होने लगता है दोनों। तो TWS सपोर्ट मिलता है आपको इसके साथ, लेकिन दोनों स्पीकर को आपको साथ ही रखना पड़ेगा कहीं भी अगर आप प्ले करते हो। उसके बाद जो एक बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये दिखी, जो अगर आप 90% वॉल्यूम से ज़्यादा प्ले करते हो, मतलब अगर आप समझो 80-85% वॉल्यूम से ज़्यादा प्लस करते हो, अगर तो आपको साउंड में डिस्टॉर्शन दिखेगी, जैसे कि बेस तो मैंने बताया था लेकिन साउंड में भी कुछ डिस्टॉर्शन मुझे मिली जब मैंने इसको यूज़ किया तो। और वाटर रेसिस्टेंट जैसा कि मैंने उस वीडियो में टेस्ट किया होता, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, तो जब मैंने इसके वाटर टेस्ट की तो उसके बाद भी वाटर टेस्टिंग में ये स्पीकर काम आराम से चलता है, क्योंकि बारिश में भी एक बार छोड़ दिया था तो उसमें भी चल रहा है ये स्पीकर, तो वाटर टेस्टिंग बहुत ही अच्छे से झेल जाता है। बट मुझे लगता है जो इसका डिस्टॉर्शन वाला प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जब मैंने इसे यूज़ किया था तब तो ये थोड़ा कम था, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और हो सकता है मैं इसे बहुत ज़्यादा हैवली यूज़ किया हूँ, इस कारण भी इस मीवी के प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रही हो, तो मैं ये नहीं बोलूँगा जो मीवी के इस प्रोडक्ट में ही प्रॉब्लम है, हो सकता है मेरे स्पेसिफिक प्रोडक्ट में ही ये प्रॉब्लम हो। और मैं खासकर रिव्यू देने के लिए इस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा हैवली यूज़ किया था, जिससे मैं आप लोगों को सही रिव्यू दे पाऊँ। तो हम फाइनली बात करते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो गाइज़ ये प्रोडक्ट आपको परचेस करना चाहिए, क्योंकि इस प्राइस रेंज पे 999 में आपको प्रोडक्ट ये इतना कॉम्पैक्ट सा स्पीकर मिलता है इतना बड़ी बैटरी लाइफ के साथ, क्योंकि अगर आपको 16-17 आवर भी प्लेबैक टाइम मिल रही है तो वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि एक नॉर्मल सी 5 वाट के स्पीकर के लिए, और वो भी अगर आपको 1000 के नीचे मिल रही है तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट स्पीकर होगा, वो भी मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट। और ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो ट्रैवलिंग पसंद करते हैं, जिसको बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा चाहिए, एक बार चार्ज करो तो आराम से चलना चाहिए भाई 2-3 दिन, ऐसे लोगों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप जिन लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बैटरी बैकअप से, कुछ नीचे भी चलेगा जैसे 7 आवर 8 आवर तक भी प्लेबैक टाइम चलेगा, तो उन लोगों के लिए मेरे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि स्पीकर के हैं कंपैरिजन के, तो आप लोग उसको चेकआउट कीजिए, देखिए और वीडियोस को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगे तो, और कमेंट करना ना भूलिए कि कौन सा स्पीकर आपको अच्छा लगा। और आप हमारे कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि हमें नेक्स्ट अनबॉक्सिंग किस स्पीकर की करनी चाहिए, किसकी कंपैरिजन वीडियो हमें लानी चाहिए अपने चैनल पे, क्योंकि आप लोग बताएंगे तभी हम लोग अनबॉक्स करेंगे और आप लोग को सही डिटेल्स बता पाएंगे उस स्पीकर की कैसी है, क्योंकि हम लोग हमेशा सही डिटेल्स ही आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है जो हम लोग को प्रोडक्ट फ्री में मिलता है कोई भी कंपनी के साइट से, क्योंकि हम लोग जो भी प्रोडक्ट लाते हैं वो अपने पैसे से खरीद के लाते हैं, तो इसलिए हम लोग जो भी आपको रिव्यू देंगे वो सही रिव्यू देंगे, क्योंकि भाई खुद के पैसे जब लगते हैं तब पता चलता है, इसीलिए आप लोग ये बिल्कुल ना हो, हम लोग जो भी डिटेल्स आपको बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। और क्योंकि मैंने खुद यूज़ किया था इस स्पीकर को, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, पर्सनली मुझे ये स्पीकर उतना अच्छा नहीं लगा मीवी का जितना, क्योंकि लोग तो भाई बहुत बोल रहे थे, तारीफ कर रहे थे भाई यूट्यूब पे, बहुत अच्छा स्पीकर है, लेकिन बैटरी बैकअप के मामले में, बेस के मामले में ये पिछड़ जाता है, क्योंकि इसी प्राइस रेंज का दूसरा स्पीकर भी है जो बेस में बहुत अच्छा निकलता है, RGB भी है, जैसे कि वोटस्टोन 250 की मैं बात करूँ तो वो भी आप परचेज कर सकते हो, आई बटन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो, और मैंने उसका कंपैरिजन वीडियो भी किया हुआ था 250 के साथ, तो हमेशा आप देख सकते हो उसमें कौन जीतता है, क्योंकि उस बोट के 250 में बहुत कुछ मेबी से ज़्यादा है, और मुझे बोट 250 अच्छा लगा, इससे क्यों अच्छा लगा वो आपको उस वीडियो में पता चलेगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये रिव्यू वीडियो जरूर बताइएगा, और गाइस कमेंट करना ना भूलें इस वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितना हो सके, शेयर कर दीजिएगा, और क्या हमें ऐसे ही प्रोडक्ट की रिव्यू वीडियो लानी चाहिए 45 डेज के बाद या नहीं लानी चाहिए, ये भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।